हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे फ्यूज है। दोस्तों, ये फ्यूज दोस्तों हमारा जितना भी डिवाइस आता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ये दोस्तों आसानी से दोस्तों मिल जाता है। और दोस्तों ये लगता है, ठीक है, सब डिवाइस में ये लगता है, जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आजकल सब में ये फ्यूज रहता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से चेक करते हैं आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आज हम दोस्तों इसको मोबाइल पर चेक करके बताएंगे, ठीक है, स्मार्टफोन पर। स्मार्टफोन पर किस तरह से चेक किया जाता है बताएंगे। पहले हम क्या करते थे, मल्टीमीटर ले लेते थे, ठीक है, बजर मोड पर रखते थे और इसको चेक किया करते थे इस प्रकार से। तुम्हारा वजह साउंड होता था, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे ये मोबाइल पर किस तरह से इसको चेक किया जाता है, ठीक है। आपको कोई भी डिवाइस लेने का ज़रूरत नहीं है, मल्टीमीटर आपके पास ना भी हो तो आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से, ठीक है। और ये दोस्तों जब हमारा ये जल जाता है, देख सकते हैं ये वाला ब्लैक हो गया है, आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं ब्लैक हो गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब हम नया वाला भी लेते हैं तो क्या होता है, मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और दोस्तों ये हमें यहाँ पर तो दिखता है, लेकिन दोस्तों ये काम नहीं करता है और दोस्तों ये ख़राब भी होता है, ठीक है। नया वाला भी कभी कभी ख़राब निकलता है। तो इसको किस प्रकार से आज चेक करेंगे हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो मोबाइल किसी भी दोस्तों एक मोबाइल ले लेना है, ठीक है, जो भी मोबाइल, बाकी टच स्क्रीन वाला होना चाहिए, ठीक है, 4G हो या 2G हो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एक मोबाइल होना जरूरी है, स्मार्टफोन, ठीक है, टच स्क्रीन वाला। कीपैड वाला मोबाइल पर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉक पर चले आना है और इमरजेंसी पर चले आना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जितना भी है देख सकते हैं, ये एक ठो हम लिए हैं, ठीक है, इसको हम एक ठो लिए हैं फ्यूज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक को यहाँ पर हाथ पर रखना है, ठीक है, और एक साइड को आपको यहाँ पर टच करना है, देख सकते हैं टच कर रहे हैं हम, देख सकते हैं 1 2 3, तो ये वाला हमारा सही है दोस्तों, देख सकते हैं जो भी हम टच करेंगे ये दोस्तों वर्किंग करेगा। तो दोस्तों ये हमारा सही है, ठीक है। और एक छो लेते हैं ये वाला, ये भी नया दिख रहा है, देखते हैं ये वाला भी, क्लोज कर देते हैं इसको, देख सकते हैं ये वाला भी दोस्तों हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। आपको पास पर आकर दिखा देते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार, देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये वाला ही हमारा फ्यूज एकदम सही है। और एक तो लेंगे ये वाला, जल गया है, देख सकते हैं ये वाला, तो इसको भी हम प्रेस करेंगे और दिखाएंगे, देख सकते हैं, देख सकते हैं ये वाला हमारा वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा फ्यूज जला हुआ है, आपको दिख रहा है ब्लैक कलर, ये जला हुआ है। दोस्तों ब्लैक कलर तो आपको ये वाला दिख रहा है जला हुआ है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब हम मार्केट से लाते हैं तो नया वाला भी दोस्तों हमारा मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम होता है, और जब हम हमारा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ये लगता है, जब हम इसको लगाते हैं तो हमारा काम ही नहीं करता है और हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। दोस्तों हमारा क्या होता है, जब हम इसको लगाते हैं तो हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ये लगता है जिनमें हम इसको लगाते हैं, तो दोस्तों वो वर्क नहीं करता है, तो आपको बहुत सारा परेशानी आ जाता होगा। दोस्तों हमारा वीडियो दोस्तों हम जो बनाए हैं आज इसको, देख सकते हैं ये वाला भी हमारा काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये चला हुआ नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं जला हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये कभी कभी वर्क कर रहा है और कभी कभी वर्क नहीं कर रहा है, देख सकते हैं।
है, ये भी हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसा पीट देते हैं तो ये चल जाता है, तो इसके अंदर जो फ्यूज है हमारा ढीला हो गया है, ठीक है। इसी कारण दोस्तों ये भी हमारा कभी कभी काम करता है और कभी कभी काम नहीं करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों आपको दोस्तों इस फ्यूज को किस तरह से चेक करना था बताना था, दोस्तों आप घर बैठे इसको आप चेक कर सकते हो, आपके पास मल्टीमीटर हो या नहीं हो दोस्तों आप इसको चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।